कल 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण की शुरुआत जो होगी वो 8:04 पे, मध्य जो रहेगा उसका वो 9:22 पे होगा और 10:55 पे ये सूर्य जो ग्रहण जो है ये समाप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पर्श करने जाना। 8:04 पे 9:22 में सम्मिलन होगा और 10:55 मोक्ष, यानी अप्लाइंग, मेंटेनिंग और सेपरेटिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब अप्लाई यानी करने जा रहा योग, हो रहा योग जो है वो मेंटेन होता है जब, वो जब सेपरेट होता है। ये जो ग्रहण होता है, ये सूर्य ग्रहण जब भी होता है, जब उस राशि में उस केतु हो और केतु के जितने अंश है उसके 9 के अंदर अगर अमावस होती है तो ही सूर्य ग्रहण होता है। और ये जो ग्रहण की जो स्थिति होती है, इसकी जो अभ्यास किया जाता है जो खगोलविदों द्वारा, उसके पीछे उनका ये कारण होता है कि जो हमारी गणना है, जो राशियों की, जो ग्रहों की जो गति है वो कितनी सही है, कि इसमें दिए हुए जो समय है उस पर वो ग्रहण होता है कि नहीं। और ये जैसे जैसे ये गति का और इन ग्रहों की जो स्थिति है उसका जैसे जैसे अध्ययन होते जाएगा तो गणित ज्योतिष जो फलित ज्योतिष के लिए जो लगता है उसमें और भी हम सत्यता के करीब पहुंच सकते हैं, ऐसा ज्योतिष का मत हो सकता है इसमें। मतलब ज्योतिष के लिए ये एक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब ये जो खगोलीय घटना है इसका भूगोल पर कितना असर होता है नहीं होता है ये अभी तक अभी एकदम से कह पाना संभव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी खगोलविदों का विषय है और खगोलविद जब इसका अध्ययन करते हैं तो उसको बारीकी से उसका देखते हैं उसको, और उस ग्रहण की जो स्थिति जो दर्शाई जाती है गति हो इसके अनुसार उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं वो लोग। अब हमारे यहाँ क्या है कि ये ग्रहण को बहुत अशुभ समझा गया है, जबकि ये खगोलीय घटना है और अंतरिक्ष में ऐसी खगोल के अंदर कुछ ऐसे योग बनते रहते हैं, तो हर खगोलीय घटना का भूगोल पर असर होगा ये कोई जरूरी नहीं है, इसको समझना चाहिए हमको। दूसरा ये शुभाशुभ का जो एक इसमें जो बताया गया सूतक लग गया और ये लग गया, ये कर्मकांड का जो विषय है, मेरा विषय नहीं है ये, क्योंकि मैं वैज्ञानिक आधार पर ज्योतिष को मानता हूँ, वैज्ञानिक आधार पर ज्योतिष की स्थापना इसके लिए प्रयासरत भी हूँ मैं। अब सवाल यह है कि जो ग्रहण की जो स्थिति बनती है उसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी इस बार जो ग्रहण होने वाला है इसमें 85% सूर्य ढक जाएगा, तो 85% सूर्य ढकेगा, 2 का जो उसका अंतराल रहेगा उसमें, जैसे कई बार क्या होता है कि जो अंधेरा हो जाता है शाम के बाद, तो उसमें कुछ जो जीव जंतु कीटाणु जो उस वक्त जो आते हैं बाहर विचरण करने लग जाते हैं माहौल के अंदर, तो वो कभी अपने लिए हानिकारक न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक प्रकृति से जो एक रूटीन है उसके अलग घटना हो रही है ये। अब क्या है कि आज हमारे पास सब साधन है, सब चीजों के रखने के लाइट है, प्रकाश है अच्छे से, तो अब इनसे चीजों की जरूरत नहीं है हमको डरने की। अब पहले जब नहीं था तब ये सब अन्न वन्न जो घर में बना रहता था उसमें कहीं पड़ नहीं जाए, इसलिए उसको बदलने की चेती थी। अब अपने यहाँ जो है इंदौर की अगर बात अपन करें, अपने शहर की बात करें, तो इंदौर में नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी से पानी आता है। अब नर्मदा नदी का जो है वो अमरकंटक से लेकर इतना बड़ा उसका विस्तार है, तो क्या नर्मदा नदी को खाली करेंगे लोग और फिर भरेंगे उसको? क्यों, ग्रहण का असर उस पर नहीं होगा? तो ये चीजें हमको समझना चाहिए। अब हमारे पास फ्रीज है, कबोर्ड है, ये है रखने की चिप चीजें, तो इसे कोई उसका दूषित परिणाम होगा ऐसा कोई संभव नहीं है। दूसरा ये है, इसमें एक मुझे को बड़ा आश्चर्य होता है कि इधर हम बोलते हैं कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का निर्माता है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो मत होना नहीं चाहिए, लेकिन जो भगवान के रूप में जो मंदिर बना उनको ढाक के रख देते हैं, उनको बंद कर देते हैं कि यहाँ प्रसाद नहीं बटेगा, इतने दिन तक नहीं होगा, ताले लगा देते हैं, तो कौन डरता है, ये डरते हैं कि भगवान डरता है? ये एक प्रश्न पैदा होता है एक व्यवहारिक, क्योंकि इसमें जो है ये सब चीजें जो है कर्मकांड और ये जो कुछ रूढ़ियां हैं उसके हो सकता है, लेकिन ग्रहण से घबरा। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ग्रहण आने के पहले से ये वो ज्योतिष लोग जो हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, मैं चिल्लाने कहूंगा कि इस राशि का ऐसा हो जाएगा, अरे अभी तक जितने ग्रहण हुए उसमें कितने राशि पे कितना प्रभाव पड़ा, कभी विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है, गर्भ स्त्री के गर्भ में कोई गलत हुई है या किसी को धारणा की है, या उस वक्त अगर किसी की प्रसव पीड़ा होकर प्रसव होने की स्थिति बनी है जो कि एक अनिवार्य हो जाती है, तो उसको क्या वो जो ग्रह जो बच्चा आया है वो क्या विकलांग हुआ है नहीं हुआ है? क्योंकि विज्ञान सम्मत विषय में विश्लेषणात्मक और प्रयोगात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है, हमको तो करना ही नहीं है,
बस वह शुभ देख के और डरा के, और ये अब ये जो कुछ तांत्रिक मांत्रिक जो होते हैं उनका कहना है कि इसमें वो सिद्ध करते हैं, वो विषय मेरा नहीं है, उन चीज़ों पे मेरा ज़्यादा मतलब विश्वास भी नहीं है, और मेरे और विश्वास का तो बदलियात मेरा विषय ही नहीं है ना, मैं उसकी जानकारी में कभी गया हूँ। मेरा ये कहना है कि ग्रहण को एक खगोलीय घटना समझ कर उसका अध्ययन करने के साथ उस पर क्या अपनी पृथ्वी पर क्या असर होता है। दूसरा ये है कि एक ज्योतिष में मेदनीय शाखा है, मेदनी ज्योतिष मुंडन एस्ट्रोलॉजी उसको बोलते हैं, तो ये मेदनी शाखा का विषय है, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन का विषय नहीं है, उसका बहुत बड़ा विस्तार से मतलब अध्ययन होना चाहिए। तो ये ग्रहण को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही, इसके लिए आम जनता से मेरा निवेदन है, एक ज्योतिष के नाते मतलब पिछले 40 वर्षों से ज्योतिष का व्यवसाय कर रहे हैं, वो समय समय पर हर जो है जो इसमें भ्रांति है उसको दूर करने का मेरा अभियान भी है, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस ग्रहण से हर राशि वालों को इसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक राशि के लिए उन्होंने बोला था कि इसमें तो सबके मृत्यु के योग हैं, 2004 की शायद बात होगी, कोई ऐसी खगोल में कोई ऐसी स्थिति बनी थी, तो उस वक्त ये सवाल आया था कि उस वक्त 120 करोड़ की जनसंख्या थी हमारी, अगर एक राशि के सब मरने वाले एक दिन तो मतलब 12 करोड़ मरने वाले, उस वक्त अगर 12 राशियां हैं तो 120 10 करोड़ एक राशि के मतलब हो जाते हैं, तो 10 करोड़ क्या एक दिन में मर जाते हैं, और मर गए होंगे क्या। तो इस तरह की इस राशि के अशुभ अशुभ को भ्रांतियां नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उसकी हर राशि की अपने जन्मस्थ ग्रह योग, उसका अपना जो जन्मस्थ योग के अनुसार बना हुआ प्रारब्ध है, इनका सबका अच्छे से सूक्ष्म अध्ययन करने के पहले सिर्फ एक राशि मात्र से इतना बड़ा भविष्य करना ये अवैज्ञानिक है, अशास्त्रीय, वो ज्योतिष शास्त्र के मूल जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। इतना ही मेरा कहना, तो मेरे को जनता से ये कहना कि सावधान रहें, भ्रांतियों में ना आए। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.